हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक योजना के बारे में बात करने वाले हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पिछले वीडियो की तरह पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से हमारी एक सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की, सरकारी योजनाओं की, जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए स्पेशल तौर पर इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको सही तरीके से वीडियो देखेंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं आज की योजना के बारे में। योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आप सबको पता होगा कि भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत यह एक रोजगार योजना लाई गई। किसके लिए? जो कोविड-19 के तहत जो पेशेंट हुए थे, जो उसके संक्रमित हुए थे, जब उनका रिकवर हुआ उसके बाद उन्हें रोजगार देने के लिए स्कीम लाई गई। कब लाई गई थी, किस डेट से किस डेट के बीच के लोगों को जॉब दिया जाएगा या सब्सिडी दी जाएगी, सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर पर देखने वाले। चलिए बात करते हैं यह लाया कब गया। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत यह लॉन्च हुआ और इसका लक्ष्य क्या रखा गया, कोविड-19 से रिकवरी के बाद रोजगार प्रदान करना। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 के तहत संक्रमित हुए और पहले वह रोजगार उन्हें मिला हुआ था और बाद में कोविड-19 के बाद उनका रोजगार चला गया तो उनको रोजगार दिया जाना, इसका लक्ष्य रखा गया। इसके तहत केवल ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं ही लाभ प्राप्त कर सकती है, अर्थात ऐसी संस्थाएं जिनका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ के तहत किया गया है उनके कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाएगा। अब बात निकल के आती है कि ईपीएफओ क्या है, तो इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका पीएफ कटता है, ऐसी कंपनीज जिनके यहाँ पीएफ कटता है कर्मचारियों का, उनके लिए योजना लाई गई है। इसके तहत कौन लाभार्थी होगा, तो ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक मंथ में 15,000 रुपए या फिर उससे कम वेतन पाते थे और ईपीएफओ के सदस्य थे। देखिए फिर से समझेंगे, 15,000 रुपए पर मंथ से कम वेतन वाले व्यक्ति वाले ईपीएफओ के सदस्य, जिन्होंने मतलब ऐसे ईपीएफओ के सदस्य जो 15,000 से कम वेतन पाते थे और जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक कोविड-19 की वजह से रोजगार अपना गंवाया है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड भी हैं और 15,000 से कम सैलरी पाते थे और साथ ही साथ 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक कोविड-19 की वजह से अपना रोजगार उन्होंने गंवा दिया है, उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2020 से या उसके बाद जॉब लिए हैं या पाए हैं उनको यह योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी क्या है, मतलब रोजगार तो दिया जाएगा लेकिन साथ ही साथ सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। देखिए यह जो योजना है, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, पहली लहर आई थी, तो उसी समय यह लाई गई थी। अब सबको पता है क्योंकि डेट कौन सी पड़ रही है, 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020, 1 अक्टूबर 2020। तो ये 2020 की स्कीम है, अभी पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें अभी सुधार भी किया जाना है, तो इस वजह से यह कोविड-19 से रिलेटेड थी तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए सब्सिडी के बारे में बात करेंगे। तो इसको सब्सिडी देगा कौन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद रोजगार पाए हैं उनको केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों तक सब्सिडी प्रदान करेगी। अब हम लोग जानेंगे कि सब्सिडी किस व्यक्ति को किस मात्रा में कितने परसेंट दी जाएगी, ठीक, ध्यान से समझेंगे, प्रश्न बन सकता है। चलिए बात करेंगे ऐसी संस्थाएं जहां पर 1,000 या उससे कम कर्मचारी थे, मतलब कि 1,000 या उससे कम कर्मचारियों एम्प्लाइयों वाली संस्थाओं में जो एम्प्लॉई होगा, जो कर्मचारी होगा उसके हिस्से का 12%। फिर से ऐसी संस्था जिसमें 1,000 या 1,000 से कम कर्मचारी कार्यरत थे उसमें कर्मचारी का जो सैलरी है उसके हिस्से का 12% तथा साथ ही जो उसका नियोक्ता है, जो उसका हेड है, अर्थात जो उसका मालिक है कंपनी का, उसके हिस्से का 12%। मतलब कुल मिलाकर ऐसी कंपनी जो 1,000 या उससे कम कर्मचारियों वाली है उसे 24% की सब्सिडी केंद्र सरकार प्रदान करेगी, जिसमें से 12% किसका होगा, एम्प्लॉई का, और उसके ऑनर का होगा 12%, ठीक है। और ऐसी संस्था जो 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली है, मतलब कि ऐसी कंपनी जहां 1,000 से ज्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं वहां पर एम्प्लॉई को ही दिया जाएगा, वहां के ऑनर को नहीं दिया जाएगा, और उस कर्मचारियों को उनके हिस्से का 12% योगदान दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, समझेंगे।
ऐसी संस्थाएं जहां 1,000 या 1,000 से कम व्यक्ति कार्यरत थे वहां कर्मचारी और उसके मालिक दोनों को सब्सिडी दी जाएगी। कितना? 12-12% उनके सैलरी या उनके इनकम के अनुसार। ऐसी संस्था जहां पर 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉई कार्य करते हैं वहां पर ऑनर को अर्थात मालिक को नहीं दिया जाएगा, केवल एम्प्लॉई को दिया जाएगा और 12% के हिसाब से दिया जाएगा। और यह सब्सिडी देगा कौन? तो केंद्र सरकार देगी। ठीक, तो यही आज की योजना थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझेंगे एक बार ओवरव्यू करके। आत्मनिर्भर भारत योजना है, यहाँ किसके लिए लाई गई? COVID-19 के संक्रमण के बाद जो व्यक्ति रिकवर हुए हैं उन्हें रोजगार देने के लिए। डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है? ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक कोविड की वजह से बेरोजगार हुए हैं उन्हें जॉब मिलेगा। साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2020 से जो व्यक्ति कार्यरत हैं, ठीक, या फिर कार्य उनका चला गया है। सब्सिडी किसे दी जाएगी? केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2020 से उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों को कितने वर्ष तक के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी प्रश्न बन सकता है, तो वहां 2 वर्ष के लिए है। ऐसी कंपनी जहां 1,000 से कम कर्मचारी रहते हैं वहां के कर्मचारियों को 12% और मालिक को 12%। ऐसी कंपनी जहां 1,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां की संस्थाओं में केवल कर्मचारियों को 12% दिया जाएगा, उसके ऑनर को नहीं दिया जाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी और ये योजना भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।